कल मेरी एग्जाम भी है तो मैं तो नहीं रहूंगी, तो मम्मी जितना है उतना सब तैयारी कर लेगी। क्यों मम्मी, कल पापा का बर्थडे, तो जितनी भी पापा की फेवरेट चीज है सारी साउथ इंडियन नाश्ते में बनेगी, है ना? हाँ। और वो बनाएगी हमारी शेफ मम्मी। तो घर में ना किसी का भी बर्थडे या कोई भी फंक्शन होता है ना, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि है ना उसकी डेकोरेशन की तैयारी, फिर सेलिब्रेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो आज मैंने ये वाला टॉप पहना है। तो अभी हम है ना सबसे पहले जाने वाले डेकोरेशन का देखने के लिए, क्योंकि है ना पापा के बर्थडे के दिन हम घर में एकदम अच्छा सा डेकोरेशन करने वाले हैं, है ना मम्मी? हाँ। तो इस साल है ना मुझे पापा का बर्थडे बहुत ही अच्छा करने और बहुत ही अमेजिंग करने, क्योंकि है ना लास्ट ईयर पापा के बर्थडे के दिन हम हैदराबाद में थे, तो वहाँ पे है ना इतना अच्छा पापा का बर्थडे हो नहीं पाया, लेकिन है ना इस साल तो हम घर पर ही है, तो हम मम्मी ने और मैंने सोचा है कि हम है ना एकदम अच्छा सा डेकोरेशन करेंगे, बिल्कुल मस्त एकदम स्पेशल वाइब्स देंगे पापा को। चलो अभी हम लोग है ना ये वाली शॉप में है, यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन का सामान है, देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। थैंक यू। तो मम्मी ने ना 3 कलर के बलून पसंद किए हैं, ये तो है व्हाइट वाला, ये ब्लैक वाला और ये येलो वाला, और ब्लू बोल रहे थे ना अभी आप। चलो फाइनली पापा का जो बर्थडे का डेकोरेशन का जो भी था ना वो सब डिसाइड हो गया, मम्मी ने ना बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन दिया बलून का। मम्मी चलो ना हम भी कुछ शॉपिंग करते हैं, लगाई था हमेशा का है मम्मी का, लेकिन नहीं अभी हम पापा के लिए आए हैं तो पापा का ही सब करेंगे, हमारी शॉपिंग तो हम 12 महीने करते रहते हैं। मम्मी मैं पापा के लिए डोसा का, मेंदू वड़ा का आटा लेके आती हूँ, रेडीमेड वाला आटा, फिर मम्मी कल ना पापा की सारी फेवरेट चीज़ें बनाएगी, 1 किलो और मेंदू वड़े का भी। खाऊंगी फिर इडली, क्योंकि है ना साउथ इंडियन फूड में ना मुझे इडली सबसे ज्यादा अच्छी लगती। चलो तो अभी हम लोग आ गए कल्याणी मैम के पास में। हाय मैम। तो ये देखो ये है मैम का फेशियल रूम, मम्मी ने बोला है कि है ना मेरा थोड़ा सा फेस क्लीनिंग करना है, क्योंकि है ना बहुत ज्यादा काला हो गया है मेरा फेस, क्लीन अप करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि एज वाइज क्लीन अप अच्छा है, अभी फेशियल की जरूरत नहीं है। चलो हो गया मेरा क्लीन अप, बताओ कैसा लग रहा है, अभी मेरा चेहरा ग्लो कर रहा है, बताना जल्दी से कमेंट में मम्मी। और हमको लेने के लिए अभी पापा आए। पापा हो गया क्या? हाँ देखो मेरा चेहरा। क्या क्या मेकअप किया क्या? नहीं नहीं मेकअप क्यों करूंगी, क्लीन अप किया है। लाओ लाओ दिखाओ ये क्या है, बादाम कुकीज, वाओ। और मेकअप तू भी ले, चूहे के जैसा तो खाया तूने इतना सा। मस्त है, बहुत टेस्टी है। तो पापा कल कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है बताओ। अरे क्या पापा लोगों का क्या बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता क्या? क्यों नहीं कर सकते, करना चाहिए सब नहीं, में नहीं, करना। हैप्पी बर्थडे विश कर लिए घर के, घर में केक और चूड़ा खा लिए, हो गया केक और चूड़ा। फिर क्या है और क्या करने का रहता? नहीं लेकिन हम बहुत अच्छा बर्थडे करेंगे, मम्मी सरप्राइज है पापा के लिए, है ना, बहुत बड़ा वाला सरप्राइज है पापा। सरप्राइज के चक्कर में ना ऐसा खर्चा मत निकाल लो भला क्या कुछ, और डेकोरेशन ये वो सब मत करो भला क्या, पहले बोल दे रहा मैं, नहीं तो तुम वो फूके बिके बलून बिलून का डेकोरेशन के चक्कर में पड़ जाएंगे। तो आज है करण भैया का बर्थडे, तो हम है ना सब लोग है ना उनके लिए एक सरप्राइज केक लेके जा रहे हैं और उनको है ना सरप्राइज देंगे, है ना पापा। चलो तो आ गए हम लोग करण भैया के घर पे, चलो करण भैया को सरप्राइज देते हैं। भैया है ना घर के अंदर ही है, उनको कुछ पता नहीं है कि हम आने वाले थे। अंदर जाओ अंदर जाओ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कावे ये बड़े बाप कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी भैया, हैप्पी बर्थडे। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। करण भैया के घर पे कितना बड़ा बिल्ला है, बिल्ला है बिल्ली है, बिल्ला है, कितना मस्त है। दीदी अभी पापा का बर्थडे है ना, तो अभी तू केक ऑर्डर कर दे, अभी जल्दी से आओ, पापा को आने के बाद अपन ना सरप्राइज देंगे, केक देके केक। हैप्पी बर्थडे टू यू है पापा का आज। तो अभी हम लोग घर पर आ गए और पापा है ना बाहर चले गए, तो मैं क्या सोच रही हूँ मम्मी,
हम है ना आज रात पापा को है ना सेलिब्रेट करेंगे केक वाला सरप्राइज देख के। आज रात 12 बजे? हाँ 12 बजे। ठीक है, वैसे भी कल बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है पापा को। यार मेरा ना पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है बिकॉज आई एम इन माई गुड डेज, तो यार सहन ही नहीं हो रहा है, बहुत भयानक दर्द होता है कि नहीं गर्ल्स। तो मैं गई थी नहाने और मेरे नहा के आने तक है ना केक भी आ गया है पापा का, तो चलो नीचे जाके पापा का केक ले लेते हैं। थैंक यू। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी, पापा जैसे ही आएंगे फिर हम केक कटिंग करेंगे। दीदी तूने ना वो केक तो ऑर्डर कर दिया लेकिन ना आज रात को ना तुम पापा को विश ही नहीं कर पाने वाले। तो ये रहा मेरा गरम पानी बॉटल में, मैंने गरम पानी लिया है अच्छे से, अब ये ना पेट सेकूंगे, बहुत पेट दर्द कर रहा है यार मेरा, और पता नहीं पापा कब आएंगे ताकि हम केक कटिंग कर सके। अब हमें पापा को रात 12 बजे विश करना था, बट पापा ही रात को 12:30 बजे के बाद आए और हम सो गए थे और विश ही नहीं कर पाए। कहां थे इतनी देर तक बच्चे कब से रास्ता देख रहे थे? सो गए? हाँ फिर 1 बज रहा ना अभी। सो गए? हैप्पी बर्थडे। और एक बार 3 बार हैप्पी बर्थडे तीनों बच्चों की तरफ से। को 12 बजे है ना मैंने पापा को विश ही नहीं किया, तो मुझे है ना अभी बहुत बुरा लग रहा है कि मैं क्यों नहीं उठी और क्यों नहीं पापा को विश किया। तो अभी तो पापा सोए हुए हैं क्योंकि रात को वो बहुत लेट आए थे, तो चलो अभी पापा को विश करते हैं हम। पापा अभी तक सो रहे हैं, देखो जाने का ना एग्जाम को। बहुत सारे लड़के आए थे और केक लेके आए थे, तो पापा नीचे गए थे और सामान भी आ गया है, तो आप एक काम करो आप रूम में चले जाओ, रूम में जाके बैठ जाओ, इधर बिल्कुल नहीं आना ठीक है पापा? ठीक है, सीधा थोड़ी देर के बाद में हम आएंगे आपको लेने के लिए, जाओ लॉक कर लो। अब हमने कर दिया है पापा को रूम में लॉक, अब जब तक हमारा डेकोरेशन पूरा नहीं होता पापा को बाहर ही नहीं आने देंगे। तो हमने जो बलून सिलेक्ट किए थे ना कल हम जब गए थे इनकी शॉप पे, तो यही बलून ये लेके आए हैं। कितने हैं ये बलून पूरे? ये पूरे 200 बलून है, तो पूरे 200 बलून हम पूरे हॉल में ना इसे नीचे भी बिठाएंगे और कुछ है ना डेकोरेट भी करेंगे। देखो गोल्डन और ब्लैक का कॉम्बो। ये फुगे फुलाने की मशीन है क्या? ये बच्चों को डराने की मशीन है? ये देखो ये केक कैसे खा रहे हैं, पूरा केक ले।
के बैठ गया खाने के। पूरा नहीं खाते बच्चे, थोड़ा थोड़ा खाते। डेकोरेशन अभी है ना, पूरा डेकोरेशन करना बाकी है, लाइटिंग लगाना बाकी है, और ये हैप्पी बर्थडे भी कितना अच्छा लगा है। अच्छा है ना। और पप्पा है ना रूम में ही बैठे हैं, पप्पा को हमने बाहर नहीं बुलाया अभी तक। मम्मी आप क्यों आ रहे हो? देखने आओ, एकदम चुपके से आओ, पप्पा को मत देखने दो, इधर से आओ, इधर से। अच्छा है ना, पसंद आया? मुझे लग रहा है किसी दूसरी दुनिया में आ गए। अभी ना आई हूँ दोपहर को 3 बजे। कैसा लग रहा है भाई तुम्हें डेकोरेशन, बता दो आप लोग कमेंट में। कृष्णा चीकू तुम दोनों को कैसा लगा डेकोरेशन बता दो। अभी पापा बाहर तो नहीं आ रहे क्या? खोलो ना, बाहर जाने का ना मेरे को। नहीं नहीं रुको, आप डोर पे साटो। क्या हुआ? अरे मेरे को बाहर जाने का ना, हो गया कि नहीं तुम्हारा? हाँ सब कुछ हो गया, लेकिन अभी आप बाहर नहीं जा सकते। अरे मेरे को बाहर जाने का थोड़ा काम है। तो एक काम करो, आंखें बंद करके चलो, क्योंकि बाहर का कुछ भी नहीं देखना है आपको। अरे रुको ना पापा, आप तो सीधा डोर खोल दो। फिर कैसे जाने का? मैं खोलती हूँ डोर। कहाँ जाना है आपको? बाहर जाना है ना? इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। नहीं इधर नहीं है, कुछ नहीं है इधर, कुछ नहीं है। पीछे मत देखो, पीछे नहीं है। अरे चप्पल तो पहनते हैं। सॉरी, पीछे नहीं देखना है आप पापा, चीटिंग कर देंगे नहीं तो पापा। कहाँ जा रहा? थोड़ा काम था, मैं आया था। पीछे नहीं देखना है। ऐसे लग रहा है मैं कितनी अच्छी जगह आई हूँ, है ना मम्मी? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मेरे को भी। मेरे को भी। ये इतने सारे है ना बलून यहाँ पे फुका के रखे ना, तो अभी पापा का हैप्पी बर्थडे टू यू होने के बाद में ना ये सारे बलून है ना मैं फोड़ डालूंगा। ये सारे बलून में तेरे को भी फोड़ूंगा, उसको भी फोड़ूंगा, वो ब्लैक वाले को भी फोड़ूंगा, और ये येलो येलो डर्टी फेलो को भी फोड़ूंगा मैं ये। तो पापा अभी बाहर गए ना, तो पापा आने तक है ना हम लोग रेडी हो जाते हैं, क्यों मम्मी? हाँ जल्दी जल्दी रेडी हो जा, पापा आने के बाद रेडी होने का टाइम भी नहीं रहेगा। हाँ और पापा बहुत घाई कर देंगे फिर। देखो मम्मी आज पहनने वाली है ये वाली साड़ी, और इसका ब्लाउज देखो ना कितना मस्त है। तो मम्मी उनकी साड़ी पहनने वाली है, और मैं तो ये अपना व्हाइट वाला गाउन ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि है ना ये गाउन मुझे पापा ने गिफ्ट दिया था मेरे बर्थडे पे, तो उनके बर्थडे पे मैं यही पहनूंगी। जल्दी से मम्मी का मेकअप करूंगी, फिर उसके बाद में मेरा मेकअप करके रेडी हो जाऊंगी, तब तक पापा भी आ जाएंगे। और मम्मी आज मैं आपका ऐसे मेकअप करके दूंगी कि आप भी बोलोगे वाह कितना अच्छा मेकअप है। अभी तुम सब है ना मेरे को भी अभी नए कपड़े पहनाएंगे, लेकिन मुझे नए कपड़े नहीं पहनने के, मुझे ना ऐसे ही रहने का पुराने कपड़े पहन के पापा के बर्थडे के दिन, पापा का हैप्पी बर्थडे टू यू मैं ना पुराने कपड़ों में सेलिब्रेट करने वाला है। अभी मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा था थोड़ी देर, बाद में फिर मैं रेडी होऊंगा। जैसे ही है ना पापा का हैप्पी बर्थडे टू यू खत्म हो जाएगा ना, मैं ये फूंक के ना सब फोड़ डालने वाला है। नहीं आई हुआ है, मुझे नहीं पहनने के ना नए कपड़े, मुझे ना ऐसे ही रहने का है, मुझे नहीं पहनने के नए कपड़े। मुझे क्यों ऐसे ये नए कपड़े पहना रहे, मुझे नहीं पहनने के ये ऐसी की तैसी है कपड़ों की। अभी मैं ना यहाँ से पतली गली से भाग जाता, नहीं तो ना ये मुझे नए कपड़े पहना डालेंगे। तो मैंने ना मम्मी का मेकअप कर दिया है, और पापा भी अभी आ चुके हैं, तो मैंने ना पापा को नीचे उनके कपड़े वगैरह सब दे दिए, तो पापा है ना नीचे से रेडी होके ऊपर आएंगे, तो मैं भी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। और ये देखो मेरी न्यू नेल पेंट। बताओ लड़कियों कैसी लग रही है? और हाँ लिपस्टिक भी है ना बहुत बेस्ट है मेरे पास, जब मैं लगाऊंगी ना तब आप देखना। तो मम्मी भी रेडी हो गई है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने मम्मी का मेकअप कैसे किया है। साड़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना, कितनी मस्त लग रही है मम्मी इसमें। आपको मेरे आईलैशेस का कलेक्शन देखना है, ये देखो।
मुझे भी है ना वो कार्टून के बच्चों के जैसे है ना बिना कपड़े का है ना ऐसे एंजॉय करने का एंजॉय। तो मेरे पास है ना ये बहुत ही मस्त लिपस्टिक है, इसको ना बस एक बार लगाने से ना पूरे होंठ पिंक हो जाएंगे। रुको मैं लगाती हूँ। एक बार पापा ने मुझे बताया था कि उन्होंने उनका बर्थडे 3 रुपीस के पेस्ट्री केक कट करके सेलिब्रेट किया था और एक बार घर पे बनाए हुए रवा सूजी के हलवे का केक बना के कट किया था। शायद पापा भी वही दिन याद कर रहे हैं अभी। पापा, कैसे लगा आपको डेकोरेशन? अच्छा लगा ना? ये सब मेरा आइडिया था। अच्छा है? अब तक मैंने तुम्हारे लिए डेकोरेशन किया था, अब तुमने मेरे लिए किया। तो सबसे पहले ना टीका करने का मान है ना पापा की मम्मी का होगा, ना कि मेरी मम्मी का। अभी यहाँ पे ना किसी और का भी बर्थडे है। हाँ। ये मेरा फ्रेंड है सागर। हाँ। तो हम एक दूसरे को ना हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं और सेम टू यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, आओ साथ में केक कट करते हैं। हाँ। हैप्पी बर्थडे। चीकू कैसे देख रहा है इसको? किसको दिया? ये मामा ने कौन से बेबी को गोद में लिया और अभी मैं ना किसी से बात भी नहीं करने वाला। अभी मुझे नहीं बात करनी है अभी किसी से भी। Happy birthday to you. सेलिब्रेशन के लिए थैंक यू। कहाँ है हमारा बच्चा? चलो कहाँ है हमारा दूसरा बच्चा? ए पुत्र। नहीं पापा, आपको पता है ना मैं केक नहीं खाता क्योंकि मैं डाइटिंग पे। देखो मेरी है ना मौसी आ गई। पापा आ जाओ। कौन आया देखो? हाय मौसी। पापा देखो कौन आया? कौन आया? लेट कर दिया आने में।
देखो ना मौसी कैसी है, हमने हमारे बर्थडे पे सेलिब्रेशन पे सब पे बुलाया, लेकिन पापा के बर्थडे पे ना एक बुलाने पे मौसी आ गई। क्यों मौसी ऐसे ना फोर्स करते हमारे बर्थडे पे, कभी नहीं आती मौसी, भी नहीं आई कभी। हाँ पापा ने बोला एक बार आ जाओ तो आ गई मौसी। मैं मर जाऊं। वाह ये मस्त है। जीजू बाप के इकलौते साले हो ना। तो पापा हमने आपके लिए इतना मस्त इतना बड़ा डेकोरेशन दिया, तो आप पार्टी कहाँ पे दे रहे हो वो बताओ पहले। तुमने खाना नहीं बनाएगा? नहीं नहीं, मेरे को लगा ही था। बताओ बताओ कहाँ पे, मुझे ना बहुत बड़ी पार्टी चाहिए। बाहर जाने का ही क्या? हाँ। मतलब तुमने पहले से सोच कर रखा था? हाँ। बताओ बताओ। चलो फिर पार्टी अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, वो भी हमारी न्यू बबीता जी के साथ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय।